सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आसोबी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पॉट टिप्स पे। दोस्तों आज हम बोया माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे जो हमने ऑनलाइन मंगाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो बोया माइक जिसको मोस्टली यूट्यूबर्स यूज करते हैं। ये है मेन्यू कार्ड जो काम का नहीं है, तो इसके अंदर है ये बोया माइक। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये है कॉलर में लगाने के लिए, ये भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये हमें मिला है बोया की तरफ से। ये है इसका कैरी बैग और ये है इसका फोम जिस जो वो इसको बेटर बनाने में मदद करता है। और ये है इसकी बैटरी और ये है 1x4 अडेप्टर जिसको हम यूज कर सकते हैं। और ये है बोया का माइक, इसकी लेंथ करीबन 20 फुट है जो बेटर है, बट इतनी तो लेंथ हमें चाहिए नहीं, बट फिर भी अच्छी है लेंथ। और ये कॉलर के लिए जिसे आप कॉलर पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये बोया माइक को आप कॉलर पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों अपने इसके अंदर बैटरी डाल लेते हैं, तो ये इसको लगाना है। पर ध्यान रहे दोस्तों ये आपको जरूर लगाना है, ये जो है ये जरूर लगाना है, क्योंकि इससे आप नेक्स्ट टाइम अगर बैटरी वगैरह चेंज करते हैं तो इसे निकालने में हेल्प होगी आपकी। तो दोस्तों हमने देखिए बैटरी इसके अंदर लगा दी है और इसको हम अभी फाइनली इसको टाइट कर देते हैं और ये टाइट भी हो चुका है। अब इसका हम फॉर्म लगा लेते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों हमने ये फॉर्म भी सेट कर लिया और ये कॉलर के लिए ये क्लिप भी लगा ली है। ये आपको इस तरह से सेट करनी है इसके अंदर। दोस्तों पहले जो आपने वॉइस सुनी थी वो विदाउट बोया माइक थी, अब जो आप वॉइस सुन पा रहे हैं वो बोया माइक के थ्रू आ रही है। तो शायद आपको वॉइस में चेंज तो पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।